ऐसा सच अभीरा प्लीज अब तो मुझे चैन से जीने दो। चैन से जीना सर। तो मुझे ये बताओ कि तुमने एक्स्ट्रा पैसे देकर सेम रेस्टोरेंट में रिलेशनशिप क्यों करवाया था? मैं और अरमान जाने वाले थे। तुम्हें कहा तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? गलती तो इसकी है। हमारे पास अगर आप चाहती हैं मैं फर्म के हेड की पोजीशन संभालूं तो आपको जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करानी। सोचने के और क्या रहेगा डॉक्टर साहब, इतने दिनों से इनकी जिंदगी आपके हाथ में है। खाना उन लोगों की जरूरत होती है जिनका अच्छा रहना होता जैसे दूसरी और दोनों को उसी रेस्टोरेंट में जाने की क्या जरूरत है कि दूसरे रेस्टोरेंट में जाए। अरमान की वजह से हुई रूही और अभीरा की फाइट। रोहित ने दादी सा को अरमान अभीरा की शादी कराने के लिए कहा। दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ऑन लोकेशन से आपके लिए लेकर आ गई है लेटेस्ट अपडेट, जहां रूही पर बुरी तरीके से भड़क जाती है अभीरा और कहती है कि तुमने उसी रेस्टोरेंट में एक्स्ट्रा पैसे देकर क्यों बुकिंग कराई जहां मैं और अरमान जाने वाले थे। रूही साफ इनकार कर देती है। अरमान आता है तो फिर से लड़ने झगड़ने लगते हैं रूही और अभीरा। दूसरी ओर अब पोदार फर्म रोहित के नाम कर देती है दादी सा। वहीं माधव भड़क जाता है लेकिन दादी सा कहती है रोहित ही इस घर का वारिस है। वहीं रोहित दादी सा पर भड़कता है और कहता है कि आप जल्द से जल्द अभीरा और अरमान की शादी करा दीजिए, ये कब से आपकी हाँ का इंतजार कर रहे हैं, इनकी जिंदगी आपकी हाँ पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि रोहित की बात मानकर अरमान अभीरा की शादी करा देगी दादी सा। क्या लगता है आपको कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।